आई होप कि आपने ये वाला वीडियो ऑलरेडी देख लिया है जहाँ पर मैंने माया कॉन्स्टेंट्स के ऊपर बात किया है, मोस्टली कैसे यूज़ करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सब। इस वीडियो में मैं कुछ कॉन्स्टेंट सेटअप बनाऊंगा, कुछ ट्रिक्स है जिससे कॉन्स्टेंट के साथ एनिमेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की बारी आता है तभी कॉन्स्टेंट का जिक्र आता है 3D सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस किस टाइप का होल्डिंग अवेलेबल है। सिंगल हैंड ग्रैबिंग एंड लिविंग सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल हैंड ग्रैबिंग एंड लिविंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, डबल हैंड ग्रैबिंग सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट स्विचिंग हैंड मल्टीपल टाइम्स। लेट्स बिगिन विद दिस सिंगल हैंड ग्रैबिंग एंड लिविंग सिंगल ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन कर रखा है, ये लड़की इस गिफ्ट बॉक्स को उठाएगी। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के कुछ एक्सट्रीम्स ऐड किया है। अब इसको कॉन्स्टेंट करने का टाइम आ गया है। पार्ट वन में एक्सप्लेन किया था कैसे हम कॉन्स्टेंट के ऊपर एनिमेशन कर सकते हैं। एक ग्रुप क्रिएट करो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट को ग्रुप के अंदर डाल दो, ग्रुप को पेरेंट कॉन्स्टेंट करो पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, यानी यहाँ पे रिस्ट के साथ, तो ये हाथ के साथ मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट को भी मूव करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट का पिवट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा। ओके, लेट्स अंडू दिस। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके। यहाँ पे ये डॉट्स दिख रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका मतलब है ये रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है। ये फाइल माया के अंदर नहीं है, किसी एक फोल्डर में है और माया उस फाइल को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा है। अगर मैं इस माया फाइल को किसी के साथ शेयर करूं तो मुझे साथ में वो फोल्डर भी देना पड़ेगा, वरना ये फाइल ओपन नहीं होगा। तो ये फाइल रेफरेंस्ड है और रेफरेंस्ड फाइल को इस तरह की झोल में नहीं डालेंगे, जितना हो सकता है अलग रखना है। और एनिमेशन हमेशा कंट्रोलर सिलेक्ट करके करना है, ऑब्जेक्ट का कोई ग्रुप सिलेक्ट करके नहीं। ओके, सबसे पहले एक लोकेटर लेंगे, क्रिएट लोकेटर। पहले कॉन्सेप्ट समझो, हाथ मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा। अब इसी चीज़ को हम एक लोकेटर के थ्रू बाईपास करेंगे। हाथ मूव करेगा तो लोकेटर मूव करेगा, और लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा। सिलेक्ट हैंड, सिलेक्ट लोकेटर, पेरेंट कॉन्स्टेंट, मेंटेन ऑफसेट ऑफ करके ऐड करो। लेट्स स्केल अप द लोकेटर सो दैट वी कैन सी इट। अब लोकेटर स्नैप कर गया है रिस्ट कंट्रोल के पास। अब लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा। लोकेटर, बॉक्स, कॉन्स्टेंट पेरेंट ऑप्शन, मेंटेन ऑफसेट ऑन, ऐड। काम कर रहा है लेकिन यूजफुल नहीं है क्योंकि बॉक्स को एनिमेट नहीं कर पाएंगे। चलो फिक्स करते हैं। लेट्स डिलीट द कॉन्स्टेंट। बॉक्स के कंट्रोलर को सिलेक्ट करो। चैनल बॉक्स में शेप नोड्स के अंदर एक पेरेंट कॉन्स्टेंट वन नोड दिखेगा, गिफ्ट बॉक्स मास्टर कंट्रोल पेरेंट कॉन्स्टेंट वन। कॉपी दैट नेम। ऊपर ये जो एरिया है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इस बॉक्स में क्लिक करके चूज सिलेक्ट बाय नेम, इस बॉक्स के अंदर पेस्ट करके एंटर मारो, फिर डिलीट मारो। चलो, सब कॉन्स्टेंट डिलीट हो गया है। लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट। डिलीट द लोकेटर ऑल्सो जस्ट टू टेक अ न्यू वन। क्रिएट लोकेटर, सिलेक्ट द लोकेटर एंड प्रेस कंट्रोल जी। लोकेटर अभी ग्रुप के अंदर है। अब रीनेम करूँगा लोकेटर को अपने हिसाब से। लेट्स से बॉक्स कंट्रोल लोकेटर, रीनेम द ग्रुप बॉक्स कंट्रोल लोकेटर कॉन्स्टेंट ग्रुप। सिलेक्ट रिस्ट, सिलेक्ट द बॉक्स कंट्रोल लोकेटर कॉन्स्टेंट ग्रुप, मेक कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ। ग्रुप इज नाउ स्नैप टू द रिस्ट कंट्रोल, और ग्रुप लोकेटर को भी उसके साथ ड्रैग करेगा। अब लोकेटर को पोजीशन करो बॉक्स के पिवट सेट करने के लिए। यहाँ पर थंब और मिडिल फिंगर के बीच में रखूँगा। अब लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा। मेंटेन ऑफसेट ऑन, ऐड। नाउ इट्स वर्किंग। छुड़ाने के लिए लोकेटर के अपर ग्रुप के ब्लेंड पेरेंट एट्रीब्यूट को एनिमेट करना होगा। वन मोर थिंग, अगर ब्लेंड पेरेंट एनिमेट करते वक्त ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट प्लेस में स्नैप कर रहा है तो इस ऑप्शन को ऑन कर दो। हैव फन। ओके, लेट्स जंप इनटू द सेकंड प्रॉब्लम। एक हाथ से मल्टीपल ऑब्जेक्ट पकड़ना और छोड़ना। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। एक लोकेटर ले लिया, उसको ग्रुप बना दिया, दोनों को रीनेम कर लिया, गिफ्ट वन कंट्रोल लोकेटर, गिफ्ट वन कंट्रोल लोकेटर कॉन्स्टेंट ग्रुप। रिस्ट कंट्रोल मूव करेगा तो ग्रुप मूव करेगा, और अगर ग्रुप मूव करेगा तो लोकेटर मूव करेगा। सो रिस्ट कंट्रोल देन ग्रुप पेरेंट कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ, ऐड। ग्रुप स्नैप हो चुका है रिस्ट कंट्रोल के पोजीशन में लोकेटर के साथ। अब लोकेटर को बॉक्स के पोजीशन में मूव करना है। एक ट्रिक यूज़ करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल देन सिलेक्ट लोकेटर पेरेंट कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ, ऐड। लोकेटर स्नैप हो चुका है बॉक्स के पोजीशन में। नाउ डिलीट दिस कॉन्स्टेंट। अब लोकेटर को अपने हिसाब से मूव कर लेते हैं। नाइस। नाउ सिलेक्ट लोकेटर, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल पेरेंट मेंटेन ऑफसेट ऑन, ऐड। अब ग्रुप के ब्लेंड पेरेंट को एनिमेट करेंगे। अब 33 में इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देगी, फिर दूसरी ऑब्जेक्ट को पकड़ेगी। अगेन सेम प्रोसेस, लोकेटर
कंट्रोल जी टू ग्रुप रीनेम गिफ्ट टू कंट्रोल लोकेटर गिफ्ट टू कंट्रोल लोकेटर कॉन्स्टेंट ग्रुप रिस्ट मूव करेगा तो ग्रुप मूव करेगा कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ एड लोकेटर को बॉक्स कंट्रोल की जगह लाना है तो पेरेंट करना है बॉक्स कंट्रोल देन लोकेटर पेरेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ एड लोकेटर स्नैप्ड डिलीट द कॉन्स्टेंट फ्रॉम आउटलाइनर नाउ सेटअप द पोजिशन फिर लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा पेरेंट कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑन नाउ एनिमेट द ग्रुप्स ब्लेंड पेरेंट टू डू ऑल द मैजिक नाउ सी वॉन्ट्स टू मूव दिस टू ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ न्यू यूनिट हाथ मूव करेगा तो लोअर बॉक्स मूव करेगा और लोअर बॉक्स मूव करेगा तो अपर बॉक्स मूव करेगा इस केस में दो लोकेटर्स लेंगे लोअर बॉक्स कंट्रोल लोकेटर अपर बॉक्स कंट्रोल लोकेटर ग्रुप देम टुगेदर इनसाइड यूनिट बॉक्स कंट्रोल लोकेटर कॉन्स्टेंट ग्रुप रिस्ट मूव करेगा तो ग्रुप मूव करेगा कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ एड अब लोअर बॉक्स मूव करेगा तो अपर बॉक्स मूव करेगा अपर बॉक्स के लोकेटर को हम लोअर बॉक्स के लोकेटर के अंदर डाल सकते हैं सो इट विल एक्ट लाइक अ पेरेंट लोअर बॉक्स कंट्रोल मूव करेगा तो लोअर बॉक्स लोकेटर मूव करेगा कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑफ एड डिलीट द कॉन्स्टेंट फॉर द बॉक्स प्लेस द लोकेटर व्हेयर यू वांट नाउ लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स लोकेटर मूव करेगा क्योंकि ये लोकेटर स्टिल एक्टिव है और कंट्रोलर पे ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट है तो उसको और दिक्कत नहीं देते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे फिलहाल फॉलो दिस अपर बॉक्स कंट्रोल लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स लोकेटर मूव करेगा इट्स ऑल सेट नाउ एनिमेट वर्किंग फाइन अच्छा अगर कहीं टाइमिंग चेंज करना है तो सिलेक्ट ऑल द कंट्रोल्स देन द ग्रुप ग्रुप को भूलना नहीं है सिलेक्ट करो और अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करो ऑब्जेक्ट ग्रैब्ड विद बोथ हैंड्स ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें रिवर्स पेरेंट करना होता है ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हैंड मूव करेगा बाकी कॉन्सेप्ट सेम है टेक अ लोकेटर रीनेम इट बॉक्स कंट्रोल लोकेटर रीनेम करने का पार्ट कॉन्स्टेंटिंग के पहले कर लेना उससे कॉन्स्टेंट नोड नेमिंग के साथ आता है समझने में इजी हो जाएगा किस चीज के साथ पेरेंट है ये ऑब्जेक्ट इस ग्रुप को हम कैरेक्टर के मास्टर के साथ पेरेंट कर देंगे ताकि कैरेक्टर अगर मूव किया तो ये ग्रुप भी कैरेक्टर के साथ मूव करे बॉक्स कंट्रोल लोकेटर को पोजिशन में ला के कॉन्स्टेंट कर देंगे बॉक्स कंट्रोल के साथ मेंटेन ऑफसेट ऑन करके उससे लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा अब मैं चाहता हूँ बॉक्स मूव करेगा तो हाथ मूव करेगा सेम सेटअप रहेगा क्रिएट लोकेटर कंट्रोल जी टू मेक इट अ ग्रुप रीनेम करेंगे राइट हैंड कंट्रोल लोकेटर एंड राइट हैंड कंट्रोल लोकेटर कॉन्स्टेंट ग्रुप अब ग्रुप को पेरेंट करेंगे बॉक्स कंट्रोल लोकेटर के साथ और लोकेटर को अपने सुविधा के हिसाब से सेट करके पेरेंट कर देंगे राइट हैंड के रिस्ट कंट्रोल के साथ मेंटेन ऑफसेट ऑन करके उससे ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो राइट हैंड मूव करेगा लेट्स रिपीट द सेम प्रोसेस विद द लेफ्ट हैंड डन लेट्स डू अ रफ एनिमेशन टू सी इफ द मेथड इज वर्किंग या ऑल गुड अंटिल दिस पॉइंट जहां पर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया फिर रिग्रैब कर रहा हूं वहां पर एक जार कर रहा है वो इसलिए क्योंकि यहां पर ब्लेंड पेरेंट कुछ फ्रेम्स के ड्यूरेशन में एनिमेट हो रहा है ये एक डिफरेंट केस है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे हैंड लिविंग एंड ग्रैबिंग द सेम ऑब्जेक्ट यहां पर मैंने चश्मा पहन रखा है सीजी के हिसाब से अभी ये चश्मा मेरे हेड के साथ पेरेंटेड है अब मैं चश्मा उतार लिया अब हेड फ्री हो गया और ये चश्मा मेरे हाथ के साथ पेरेंट हो गया अभी इसको कॉलर में लटका दिया तो हाथ भी फ्री हो गया हेड भी फ्री है लेकिन कॉलर के साथ पेरेंटेड है तो ये होता है एक ऑब्जेक्ट का हाथ बदल होना मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स आ जाना यहाँ पर मैं दो प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा एक जो कॉमन प्रोसेस है और एक जो मैं यूज़ करता हूँ सेम मेथड लोकेटर ग्रुप ग्रुप को रिस्ट कंट्रोल के साथ पेरेंट करो बॉक्स कंट्रोल को लोकेटर के साथ पेरेंट करो रिस्ट मूव करेगा तो बॉक्स मूव करेगा मूव टू द नेक्स्ट पोज ओके अब सेम प्रोसेस से एक लोकेटर लेंगे और ग्रुप करेंगे इस बार ग्रुप को हेड के साथ पेरेंट करेंगे ताकि लोकेटर हेड के पास आ जाए अब लोकेटर को प्लेस करिए जहां आपको ऑब्जेक्ट का पिवट चाहिए उस हिसाब से मैं यहां पर बॉक्स के नीचे रखूंगा अब लोकेटर मूव करेगा तो बॉक्स कंट्रोल मूव करेगा कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑन अब बॉक्स कंट्रोल पर दो कॉन्स्टेंट्स है चैनल बॉक्स में सेप्स नोड के अंदर W0 और W1 बोल के दो स्विच दिखेगा ये दोनों अभी ऑन है यहाँ रिस्ट के कॉन्स्टेंट यानी W0 के वैल्यू को जीरो करने से बॉक्स हाथ से छूट जाएगा W1 यानी हेड के कॉन्स्टेंट को जीरो करने से हेड से छूट जाएगा
अभी मुझे चाहिए बॉक्स हाथ से छूट जाए, तो डब्ल्यू जीरो के वैल्यू को जीरो कर दूंगा और यहाँ पर डब्ल्यू वन के वैल्यू को जीरो कर दूंगा। एनिमेशन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू जीरो और डब्ल्यू वन को एनिमेट करना है। अब फिर से इसको हेड से उतार के टेबल में रखेगी। यहाँ पर हाथ के साथ एक नया सेटअप बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही नया लोकेटर के साथ बॉक्स कंट्रोल को पेरेंट किया, यहाँ पर एक और स्विच बन गया डब्ल्यू टू। ये नए डब्ल्यू को भी एनिमेट करना है। फाइनली जब बॉक्स को टेबल में रखा तो एक नए लोकेटर के साथ पेरेंट कर दिया ताकि वो उसी जगह पर रहे। ये प्रोसेस मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। अब अगर टाइमिंग चेंज करना है तो पूरा सिलेक्ट करके मूव करने से काम नहीं चलेगा। आपको शेप्स नोड के अंदर के कीज़ को भी सेपरेटली मूव करना पड़ेगा क्योंकि वो टाइमलाइन में नहीं आता। नाउ लेट्स सी द मेथड दैट आई यूज। सबसे पहले सीन को प्लान कर लो, कितनी बार हाथ बदल हो रहा है। इस केस में 4 बार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जितनी बार हाथ बदल होगा उतनी सारे लोकेटर ले लो, इस केस में 4 लोकेटर। अब इस 4 लोकेटर का एक हायरार्की बना लेंगे। 4 को मिडिल माउस ड्रैग करके 3 के अंदर, 3 को 2 के अंदर, 2 को 1 के अंदर। अब ये एक पेरेंट चाइल्ड चेन बन गया। अब लोकेटर 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, बस 1 की जगह 4 लोकेटर। अब रिस्ट के साथ ग्रुप को कॉन्स्टेंट करेंगे मेंटेन ऑफसेट ऑफ करके। ग्रुप और 4 लोकेटर रिस्ट के पोजिशन में आ गया। अब लोकेटर 1 को प्लेस करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ मैं बॉक्स के मिडिल में प्लेस कर रहा हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर लोकेटर 1 बाकी 3 लोकेटर को अपने साथ ड्रैग कर रहा है। लोकेटर प्लेस होने के बाद बॉक्स कंट्रोल को लास्ट लोकेटर के साथ कॉन्स्टेंट कर दो ताकि कोई भी लोकेटर मूव करे तो बॉक्स कंट्रोल मूव करे। ओके, ग्रुप के अंदर मिलेगा ब्लेंड पेरेंट जिसको एनिमेट करके इनिशियल पेरेंट को ऑन ऑफ कर सकते हो। जब ऑब्जेक्ट को हाथ में एनिमेट कर रहे हो ऑलवेज यूज द रिस्पेक्टिव लोकेटर। जैसे कि यहाँ रिस्ट के साथ ग्रुप को पेरेंट किया है तो एनिमेट लोकेटर 1 को ही करूँगा, ना कि 2, 3 या 4, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। लोकेटर 1 से बॉक्स को प्लेस करो, फिर पेरेंट कंट्रोल जो यहाँ पर हेड कंट्रोल है उसके साथ कॉन्स्टेंट कर दो लोकेटर 1 को। लोकेटर 1 का जर्नी यहाँ पर ख़त्म हुआ। फ्रेम 20 में लोकेटर 1 के ब्लेंड पेरेंट एट्रीब्यूट 0 और 21 में 1। इट्स वर्किंग फाइन। थर्ड ग्रैब इज कमिंग एट 45th फ्रेम। हाथ को प्लेस करके रिस्ट कंट्रोल मूव करेगा तो लोकेटर 2 मूव करेगा। कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑन एड। 45th फ्रेम में ब्लेंड पेरेंट 0, 46th फ्रेम में ब्लेंड पेरेंट 1। फाइनल पोजीशन में लोकेटर 3 से बॉक्स को प्लेस करेंगे, फिर एक एक्सटर्नल लोकेटर को उस प्लेस में ला के उससे पेरेंट कर देंगे लोकेटर 3 को। ब्लेंड पेरेंट को एनिमेट करो। इस सेटअप में सब कुछ टाइमलाइन में इंक्लूड होता है। टाइमिंग चेंज करना हो तो सारे कंट्रोल्स और लोकेटर्स को सिलेक्ट करो विद द ग्रुप, देन यू आर फ्री टू मूव द कीज इन टाइमलाइन और इन ग्राफ एडिटर, व्हाटएवर यू प्रेफर। माना कि कॉन्स्टेंटिंग एनिमेशन का एक बहुत पेचीदा प्रोसेस है, लेकिन अगर तुम इसको पकड़ में ला सके तो तुम्हारा बहुत टाइम बच सकता है। थोड़ा दिमाग खपाओ, थोड़ा टाइम दो, यू विल गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।